हूँ क्योंकि आज मेरी जन्माष्टमी, मैं फर्स्ट टाइम माँ बनी थी तो मुझे पहली बार माँ बनने की खुशी मिली थी मेरी बेटी की वजह से। और आज है मेरी बेटी का बर्थडे तो ये अभी सोकर उठी है और ये बदतमीजी की है। जब तुम सोकर उठी हो तो सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करो, अपने इष्ट देवता को याद करो, सब भगवान जी को मन में याद करके प्रणाम करो कि भगवान मुझे तरक्की दे, पढ़ने में थोड़ा मन लगे और घर में सुख शांति आए। चलो भगवान जी से प्रे करो, भगवान जी से प्रे करो। चलो उठ के सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया जाता है, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, भगवान मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे, उसकी तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। तो अभी मैं बाहर धुल कर आई हूँ पूरा घर, तो बाहर सब मैंने धुल लिया है क्योंकि खाना मैं यहीं पे बनवाऊंगी। खाने में अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फिश रखूँ या चिकन रखूँ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं खाने में वेज और नॉन वेज दोनों रखवाई हूँ। और आज मेरी बेटी का बर्थडे, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तो आज मैं जितना खुश होती हूँ ना, शायद मैं कभी खुश नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं ना इतना खुश मैं मतलब जुबा से एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी खुशी को, मैं इतना खुश हूँ। तो अभी ना क्या है बर्थडे है, अभी मैं जा रही हूँ घर की पहले सफाई करने, काम कर ख़त्म करने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब यहाँ पे आ गया है, गैस वगैरह टेंट की सामान आ चुकी है और मेरे हस्बैंड इसको एडजस्ट करा रहे हैं। कोई हेल्पिंग हैंड नहीं थी, बस हम और मेरे हस्बैंड ने मिलकर सारा पार्टी ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ मेरा बेटा गिरा, गिरने के बाद आ गए पनीर वाले भैया। तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं है कि इनकी बेटी का बर्थडे है, ये अपनी बेटी के बर्थडे पर ही सिर्फ खुश होते हैं। इनके चेहरे पर 4 फीट का स्माइल तभी आता है। काम करते करते मेरा क्या हाल हुआ है। तो अभी ना दूध वाले पनीर वगैरह देके चले गए हैं। हाँ, दूध आ चुका है और यहाँ पनीर वगैरह आ चुका है। हमें खाना बनाने का बर्तन, टेबल चेयर सब भी आ चुका है। और अब मैं जा रही हूँ घर की सफाई में लगने, सफाई कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह शाम को बिछेगा और अब पहले दूध धो दूँ। तो हमारे घर हमारी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनता है। इस बार अच्छे से इसलिए नहीं मन पा रहा है ना क्योंकि घर से कोई आया नहीं है और अकेले इंसान कितना करेगा। और कल फिर ये ऑफिस चले जाएंगे तो काम बहुत है करने वाला, अकेला ये नादान सी समझदार सी बच्ची। तो बस अभी सफाई में लग जाते हैं, फिर मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। बचने जा रहे हैं, सारे लोग सारे काम में लग गए और अब मैं जा रही हूँ हिमानी से चूल्हा का पूजा करवाने की, खाना बनना स्टार्ट होगा। रखो, तो हमारे घर की पूजा जो भी होती है सो हिमानी करती है क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। तो खाना बनाने से पहले ना चूल्हे की पूजा की जाती है, अन्नपूर्णा माँ की पूजा की जाती है कि अन्नपूर्णा माँ स्वाद दे, बरकत दे, खाना ना घटे। और मैं अपनी बेटी से पूजा करवाती हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि मेरी बेटी जिस चीज़ में हाथ लगा दे ना वो मतलब बहुत बरकत करता है। और सच में खाना इतना टेस्टी बना था और घटा भी नहीं, इज्जत हमारी रह गई, ये सबसे बड़ी बात है। तो पूजा वगैरह मैं अपनी बेटी से करवा दी और खाना इतना लाजवाब था ना, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सब मैंने अपने देख रेख में बनवाया था और यहाँ मेरी बेटी पूजा कर रही है। तो मेरी बेटी को ब्लेसिंग दीजिए और ये यहाँ पर 51 रुपया रख दी और फिर बस खाना बनना शुरू हो जाएगा। और ये भी विशेष कर रही है कि भगवान मेरे घर में अच्छे से पार्टी हो जाए। बर्थडे की डेकोरेशन हो चुकी है, डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, डेकोरेशन हो चुकी है। और इस रूम में मुझे बेडशीट लगाना है और कुछ मसाले दिए हैं उसे पीसना है। और हिमानी भी तैयार हो चुकी है, नंदू को तैयार करना है। अकेले मैं परेशान हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा मिक्सी जल गया, चलते चलते तो भाभी का मिक्सी मांग कर लाई हूँ। अभी मुझे मसाला पीसना है, बहुत काम है, तैयार होना है, भगवान जाने कैसे होगा सब। बेटा जी से कि उसको अपना बर्थडे डेकोरेशन पसंद आया या नहीं, बर्थडे डेकोरेशन पसंद आया? हाँ।
कितना? बहुत ज़्यादा। तो बर्थडे का डेकोरेशन हो चुका है और खाना बन चुका है, अब बस वेट है तो बस गेस्ट्स का। समय आ चुका है केक काटने का, तो यहाँ पे सबको मैंने टीका लगा दिया, तो सारे बच्चों को टीका यहाँ लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा बेटा इतना खुश था ना कि इनके खुशी को देख के तो मेरे मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो केक मैंने कोई ऑर्डर करके नहीं बनवाया था, सिंपल 2 kg का केक मैंने बनवा दिया था रसमलाई फ्लेवर का। और यहाँ पर हिमानी के दादा और दादी टीका लगा रहे हैं उसे, तो ढेर सारा आशीर्वाद मिला। और नंदू देख रहा है, नंदू राजा। तो बर्थडे क्या है, बच्चों की खुशी, बच्चे खुश हो जाते हैं तो समझो कि मतलब सब कुछ सफल हो चुका, सब कुछ अच्छा हो चुका। और एक दूसरे को ये सब देख के केक सजाने पे लगे हुए हैं। अब आ जाती है बारी उसके बुआ की, तो ये हिमानी के बुआ और फूफा हैं। तो सबको यहाँ पे सारे बच्चों को टीका वगैरह लगा रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। तो ये इनके फूफा हैं, बुआ हैं, और ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। ये हिमानी की बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, यशस्वी की मम्मी है। तो इतनी खुशी थी ना, बड़े लोग भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और यहाँ पे मैं आ गई अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देने, मेरे आशीर्वाद और मेरे चप्पल तो दोनों ही उसको मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी भगनी स्पार्कल से डर रही थी, अपने बर्थडे पे इतना एंजॉय नहीं की जितना इस बर्थडे पे एंजॉय की। क्योंकि ना पता है क्या है कि अपने बर्थडे पे इतना कंफ्यूज इनको लोग कर दिए थे ना, इतनी कंफ्यूजन हो गई थी, सारे लोग पकड़ पकड़ के कि अपना बर्थडे पे ये कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ पे देखिए दोनों फ्रेंड, फिर आया बुआ फूफा, और जो पॉपअप था वो गिर गया था केक पे। और ये आ गए जानवी की मम्मी। तो सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे, सबने केक के साथ हम लोगों ने बहुत सारा मसाज किया, केक मसाज। देखिए मेरी भगनी कितना हंस रही है, इतना तो अपने बर्थडे पे नहीं हंस रही थी। ये तो मैं अभी देखी हूँ। केक चीक से निकाल के खा ली। तो यहाँ पे बच्चे बहुत मेरे घर पे एंजॉय कर लेते हैं ना, क्योंकि ये आगे हमारी हीरोइन जानवी। तो आसपास के भी 2 बच्चे आए हुए थे और जो लड़के थे वो शर्मा रहे थे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी बहुत एंजॉय किए, बहुत एंजॉय किए। और ये हमारे घर के बगल में सौम्या कन्फ्यूज़न है। तो स्टार्टर मैंने पहले ही चला दिया था, मोमो और स्प्रिंग रोल। और खाना सबको को अच्छा लगा, सबसे बड़ी बात यही है। और इंजॉय कीजिए।
कर करके परेशान कर दिए थे। ये शिशमे तुम खुद से नहीं खाओगे, तुम्हारा प्लेट लगा दें। भाभी नहीं आई है भैया, हमको बहुत गुस्सा आया है। खाओगे? हाँ नहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, उस वक्त से टाइम ही नहीं मिल पाया है कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोग से हम ब्यूटीफुल मिल रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाया। देखिए ना कितना काम किया अकेले, तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा होली खेला, अभी पेंडिंग है। ठीक है, हमारी सास को बोला गया था पहले आने के लिए, ये आई है गेस्ट की जैसा 8 बजे झगड़ा पे। हाँ 8 बजे 7 बजे 7 बजे नहीं 8 बजे 7:30 में तो हम अंकुश जी के पास पहली बार फोन किए हैं और ये हमारे घर फर्स्ट गेस्ट आई हैं, फर्स्ट बार घर पे आई हैं श्रेया या सौम्या, सॉरी नाम फर्स्ट बार। तो यहाँ मेरा बेटा भी खा रहा है और अभी सबके खाना खा रहे हैं, सबके खाना खा ले रहे हैं, उसके बाद बस थोड़ा सा एक वीडियो बना ले। हाँ जी, तो ये है मिलिए मेरी फ्रेंड से यशस्वी की मम्मी, जिसको पूरे टाइम यशस्वी कहती है, यशस्वी यशस्वी यशस्वी, और ये है यशस्वी की मम्मी और ये है यशस्वी जो कि मेरे घर का सबसे ज्यादा बात होता है यशस्वी की मम्मी का। तो बहुत अच्छा लगा भाभी आप आई, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया भाई। हाँ बहुत अच्छा लगा आप आई और हमारे साथ थोड़ा सा नाची गई है। बहुत अच्छा लगा, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, डांस अच्छा करती हैं आप लोग, जैसे देखे होंगे ये डांस बहुत अच्छा करती हैं और ये भी बहुत क्यूट है। अच्छा घुमाने पे नजर रखना और झगड़ा कम करना घुमाने से। होता है ना कि जिससे सबसे ज्यादा झगड़ा होता है आके का लास्ट में जाके सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, वही कांड है इसके साथ। चलिए श्रेया भी जा रही है, सौम्या तो ये है सौम्या, सौम्या करके बगल में रहती है, इसे तो हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, तो ये भी जा रही है और मिलते हैं सुबह में। बाय बाय मम्मी, बाय, हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा लगा भाभी आप आई, अब घर देख ली ना, अब अक्सर आया कीजिएगा, चलो चलो बाहर छोड़ दो। ओह बीवी से पिटाते होंगे। अभी लेंगे। बर्थडे पार्टी खत्म हो चुका है और ये रहा गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स की ओपनिंग होगी कल और अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं, घर भी बहुत गंदा हो चुका है, तो कल हम लोग घर साफ करेंगे और अभी पूछते हैं हमको अपनी बेटी से कि कैसा लग रहा है, कैसा लगा बर्थडे पार्टी, कैसा लगा बोलो ना, पहले गिफ्ट को पहले बोलो बर्थडे कैसा था। अच्छा था पहले कि तो हमने खाना में बनवाया था पूरी, पुलाव, गाजर का हलवा और फिश और मटर पनीर और कलौंजी था शिमला मिर्च का, सब कुछ हो चुका है और अब हम लोग खाना, सबने बोला बहुत अच्छा बनाया था और हलवाई ने सच में खाना बहुत अच्छा बनाया था, तो अभी सब कुछ हो चुका है और घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना परिवार में ख्याल रखें और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि भगवान उसकी उसे तरक्की दे, ऊँचाइयाँ दे और बस बाय बाय, गुड नाइट।